मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद गुप्ता और आज का मेरा टॉपिक है PCOD विच इज पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज विच इज वेरी कॉमन। आज के डेट में देखोगे आप फीमेल्स में बहुत सबसे ज़्यादा कॉमन यंगस्टर में होने लगा है। पहले के ज़माने में नहीं होता था बट आज के डेट में बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल फीमेल्स में बहुत कॉमन हो गया है PCOD और जिसके कारण उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जो उसके साइन सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैनली होने लगे हैं। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम क्या ट्रीटमेंट लें। सबसे पहले तो वो होम्योपैथी लेना चालू कर देते हैं, आयुर्वेदिक लेना चालू कर देते हैं, एलोपैथी सबसे आखिरी में लेते हैं। बट आज की डेट में ज़्यादातर डॉक्टर्स भी जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो उनको हार्मोनल ट्रीटमेंट दे देते हैं। मेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, मैं जिस तरीके से ट्रीटमेंट करता हूँ PCOD का, वो है नॉन हार्मोनल। तो मैं आज आपको बताऊँगा किस तरीके से आप नॉन हार्मोनली अपने PCOD को कंट्रोल कर सकते हैं और जो उसके साइन सिम्टम्स आ रहे हैं आपको और जो इश्यूज हैं उसको आप कंट्रोल करके ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि PCOD होता क्या है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, पॉली मतलब मल्टीपल, सिस्ट मतलब जो सिस्ट बनते हैं, बताऊंगा क्या होता है, एंड ओवरीज में जो सिस्ट बनते हैं सर सिंड्रोम और डिजीज, यू कैन से PCOD और PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम और PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। आपने बहुत सारे आज की डेट में 10 में से 4 या 5 लोगों को PCOD पॉजिटिव होता है। मेरे पास बहुत सारे फीमेल्स आती हैं जिनको दाढ़ी आ रही होती है मेरी तरह, एक्ने आ रहे होते हैं, ओबीज मोटापा बढ़ने लगता है। तो PCOD के ये कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं जो हमको दिखते हैं कि मूड स्विंग होने लगते हैं फीमेल्स में, मोटे होने लगते हैं, एक्ने, बहुत सारे एक्ने आने लगते हैं यहाँ पे, स्पेशली चिन एरिया में दाने आने लगते हैं और दाढ़ी आने लगते हैं, हर्सुटिज्म, इट्स कॉल्ड हर्सुटिज्म, तो हर्सुटिज्म आने लगता है, बाल आने लगते हैं, उसके कारण उनका फेस मैनली स्क्वायर फेस होने लगता है बिकॉज ऑफ मेल हार्मोन्स। PCOD होता क्यों है? बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल, आपकी आज की डेट में देखा जाए तो लाइफ स्टाइल, डाइट और बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण PCOD होने लगता है। PCOD में होता क्या है कि मैं आपको थोड़ा बता दूँ छोटे उसमें जल्दी से, दो फीमेल्स में दो ओवरीज होती हैं, ओके, राइट एंड लेफ्ट ओवरीज, बीच में यूट्रस होता है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में अंडा निकल के यूट्रस में आता है, पहली एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, सेकंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये इस ओवरी से अंडा निकल के यूट्रस में आएगा, ओके, ये अल्टरनेटिव चलता है। किसी कारण से अगर वो अंडा, ओवा जो होता है फीमेल में, वो अगर यूट्रस में नहीं आ पा रहा है तो वहीं पे स्टक रह गया ओवरीज में। एक बार स्टक हो गया, दो बार स्टक हो गया, तीन बार स्टक हो गया, तो क्या हुआ, मल्टीपल वहाँ पे वो सिस्ट बन जाएगा, वो जो ओवा है वो सिस्ट बन जाएगा। कभी राइट में नहीं आ पा रहा है यूट्रस में तो राइट में सिस्ट हो जाएंगे, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में सिस्ट हो जाएंगे। इसके कारण क्या होता है, वो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस करने लगता है, मेल हार्मोन को चेंज बनाने लगेगा फीमेल और फीमेल के अंदर, लाइक टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा, आपका DHT का लेवल बढ़ जाएगा। और इसमें आपको प्रेगनेंसी, इन फ्यूचर अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आ सकती है बिकॉज अंडा आ ही नहीं रहा यूट्रस में, अंडा यूट्रस में नहीं आएगा तो क्या होगा, वो आपका प्रेगनेंसी में इशू होगा। अभी इसका इलाज क्या है, तो जनरली डॉक्टर्स जो करते हैं वो हार्मोनल ट्रीटमेंट करते हैं, लाइक Dyne-35 जो प्रेगनेंसी के जो एंटी प्रेगनेंसी ड्रग्स होती हैं, लाइक आपको दिया जाता है स्टूडेंट के गोलियां होती है, 21 दिन दी जाती है आपको, पीरियड्स के 4 दिन बाद से खाना चालू करना पड़ता है और 21 दिन तक खाना है, फिर आपको स्टॉप करोगे तो आपके पीरियड्स आ जाएंगे और जैसे आप उसको चालू करोगे तो आपको, मतलब ये आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करने के लिए दिया जाता है ताकि वो ओवा निकल के और प्रॉपर रेगुलराइज हो जाए। ये इलाज चलता है 6 महीने। बट क्या होता है कि ये जनरली जो बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जाती हैं, इनको कहते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स, ये जब दी जाती हैं तो कहीं ना कहीं इश्यूज करते हैं, हार्मोनल बॉडी में डिस्टर्बेंस होगा तो इशू करेगा ही करेगा। मैं जो ट्रीटमेंट करता हूँ पेशेंट को, जो मैं, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मैं अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप ये ट्रीटमेंट लीजिए। आप प्रॉपर जब भी PCOD का ट्रीटमेंट कराएं तो आप प्रॉपर अपनी गायनिक को या जो भी जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं उनसे प्रॉपर आपके हार्मोनल रिपोर्ट को दिखा के और फिर ट्रीटमेंट लीजिए। मेरा जो, मैं जो ट्रीटमेंट सजेस्ट करता हूँ क्लाइंट्स को या जो उन पेशेंट्स को, वो नॉन हार्मोनल होता है। मैं यहाँ पे बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस को, चेंजेस को नहीं करता, मैं नॉन हार्मोनली उसको ठीक करता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं प्रेफर करता हूँ पेशेंट को, मैं देता हूँ L-Dectone, इट्स अ स्पायरोनोलैक्टोन पोटेशियम स्पेयरिंग, ये डाईयूरेटिक है। डाईयूरेटिक क्या करती है, हमारी बॉडी में पेशाब को ज़्यादा लगाती है, ज़्यादा यूरिनेशन कराती है। तो ये इसका एक स्पायरोनोलैक्टोन जो मेडिसिन है L-Dectone, ये मैं सुबह 9 बजे क्लाइंट को बोलता हूँ कि लेने चाहिए, लें वो,
इससे था क्योंकि यूरिन यूरिन बढ़ रहा है तो दिन भर में उनको दिक्कत नहीं होगी, रात में खाएंगे तो रात में उनको यूरिन होगी, इससे बहुत ज़्यादा यूरिन नहीं लगती, बट हाँ ठीक है। बट इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो एंटी एंड्रोजन, बिकॉज जब हम पीसीओडी में देखते हैं फीमेल की बॉडी में एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ जाता है, तो हमको ऐसी मेडिसिन देनी जो एंटी एंड्रोजेनिक हो, मतलब वो जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको ख़त्म करे। तो इसका एक इफेक्ट देखा गया है, इसका एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी होता है, तो मैं ये प्रेफर करता हूँ क्लाइंट्स को देने के लिए, बिकॉज मैं नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट बता रहा हूँ अभी आपको। दूसरा है क्राइनोमेट मायो, ओके, इसमें मायो इनोसिटॉल है और सस्टेनिल मेटफॉर्मिन है, ये मैं सुबह शाम खाने को बोलता हूँ उनको, पेशेंट को अपने, कि 250 mg की टैबलेट आती है क्राइनोमेट मायो, ये आप सुबह शाम खाइए। और अगर आपके हेयर फॉल भी होते हैं, देखो पीसीओडी में हेयर फॉल भी होता है, आपको यहाँ पे ना गंजापन आने लगता है, फीमेल पैटर्न बालनेस होने लगती है, हर्सोटिज्म आ रहा है, अगर आपको बाल आ रहे हैं तो आप उसको वैक्सिंग करा के आप ये अपरूट लगाइए, अपरूट लोशन शेव कर लो, थ्रेडिंग कर लो या वैक्सिंग करके अपरूट लोशन इसको लगाना चाहिए, ताकि वो हेयर की ग्रोथ को स्लो कर दे। वैसे तो इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट लेज़र होता है, बट अगर आप लेज़र किसी डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं या आपको फाइनेंशियल इशू है, तो आप अपरूट लोशन लीजिए, और अपरूट लगाने के बाद थ्रेडिंग करने के बाद उसको डेली अप्लाई करिए, तो वो हेयर की ग्रोथ को स्लो कर देगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, ठीक है, आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो ये ट्राइकोनरेश है, इसको सीरम को लगाइए, इसमें फिनिस्ट्राइड भी है जो टॉपिकल फिनिस्ट्राइड है, ठीक है, जो एंटी एंड्रोजन अगेन डीएससी को ब्लॉक करेगा, अगर आपकी बॉडी में डीएससी का लेवल बढ़ रहा है तो। इसका सिस्टमिक साइड इफेक्ट नहीं है, इट्स अ जेल फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो सर्च करता हूँ वो ये है पीसीओडी किट कंपनी, अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, ये आपको सब चीज़ में वर्क करेगा, तो आपको इसमें कंपनी बोलती है 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है, पेटेंटेड मेडिसिन है, आपको ये पूरा 1 month का कोर्स आता है, और इस कोर्स का है 1700 rupees का, पूरा 1 month का कोर्स है, और इसके अंदर लिखा है कि आपको किस दिन कौन सी दवाई खानी है, ये पूरे आपके हेयर फॉल को भी दिक्कत को ख़त्म करेगा, आपको हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, या आपको कोई भी इशू अगर आपको आ रहे हैं विथ ड्यू टू पीसीओडी, ये हर चीज़ पे कंट्रोल करेगा। इट्स कंप्लीट पूरा किट है, 1 month का 1700 rupees का आता है, इसमें हर टाइप के वाइटामिन दिए, पूरा नेचुरल है, वाइटामिन से मल्टी वाइटामिन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, बिकॉज जब हम हार्मोनल ट्रीटमेंट लेते हैं, देखो कोई भी ट्रीटमेंट आपको लेना है कम से कम 6 महीने मिनिमम आपको 6 महीने लेना ही है पीसीओडी का ट्रीटमेंट, तो जब हार्मोनल ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो आपके बॉडी के हार्मोन्स को चेंजेस करते हैं, बट ये नॉन हार्मोनली है, मैं यहाँ पे कोई भी हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं बता रहा हूँ, ये पूरा नेचुरल एंड विथ मल्टी वाइटामिन जो हमारे बॉडी को रेगुलेट करेगा, बिकॉज आपकी लाइफस्टाइल को और जो डाइटिंग है, डाइट है, आपकी लाइफस्टाइल है, इन सबसे के कारण जो आपको आज की डेट में देखा जाएगा कि इम्यून सिस्टम भी आपका बहुत वीक हो जाता है, बहुत सी चीज़ों के कारण हमारे बॉडी में जल्दी बीमारियाँ आने लगी हैं। पहले के ज़माने में लोग देखोगे आप 50-60 साल के बाद बीमारियाँ आती थी, बट आज की डेट में 20-25 साल के बच्चों में भी बीमारियां देखने को मिल रही हैं हर टाइप की, तो ये जस्ट बिकॉज आपके इम्यून सिस्टम, आपका बॉडी वीक है, बहुत से रीजन होते हैं, तो हमें उन सबको स्ट्रॉन्ग करना है। ये आपके बाल हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, उस पर भी वर्क करेगा, और ये आपके आपका पीसीओडी जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको भी खत्म करेगा। इसके अंदर हर टाइप के वाइटामिन दिए हैं, इसमें Q10 भी है, इसमें ट्राइक्यूक्यूमिन है, करक्यूमिन भी है, इसमें विटामिन डी भी है, और इसमें हर टाइप के मल्टी विटामिन है जो साइक्लिकल थेरेपी के साथ इसमें दिया जाता है। जैसे इसमें लिखा है बहुत इजी लेने के लिए तरीका, बहुत इजी है, ये आप उस दिन के जैसे संडे मंडे ट्यूसडे बोले आप वैसे खा सकते हैं, और ये आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छी जल्दी देगा। तो प्लीज़ ये वीडियो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये जस्ट एक एजुकेशन देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। आप एकदम से भी अपना कोई गायनिक का ट्रीटमेंट या किसी ट्रीटमेंट चल रहा है तो पीसीओडी का छोड़ मत देना, बिकॉज कि मैंने अब वीडियो बनाया और आप इसको जाके मैं इन सब की लिंक डाल दूंगा, ये आपको lescomic.com पे मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके चाहो तो आप ये सब परचेस कर सकते हो। मगर एक बार आपका अगर कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट चल रहा है तो अपनी गायनिक या अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिएगा, कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हो, मेरी आप लेस्कोमिक में मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन का फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हो, मैं आपको और अच्छे से गाइड कर दूंगा, आपके पर्सनलाइज एक किट बना के हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं क्या लेना चाहिए। तो गाइज ये उनके लिए था जो फीमेल्स बहुत परेशान थी पीसीओडी से रिलेटेड, उनको हर्सोटिज्म आ रहा है, मतलब बाल आ रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, और जब ये चीज़ आप खाओगे ना तो आपकी बॉडी में ओवरऑल डिफरेंस बहुत जल्दी आ जाएगा, आप पतले होने लगोगे, आपके बाल अगर दाढ़ी आ रही है तो वो कम हो जाएगी, आपके बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ग्रोथ अच्छी हो जाएगी बालों की, ये बहुत अच्छी चीज़ों में काम करता है। तो और सबसे अच्छा है आप योगा करें, सुबह उठ के योगा करें, अपनी डाइट में वेजिटेबल्स को बढ़ाएं, फाइबर्स को बढ़ाएं, बिकॉज जो हम खाते हैं वही हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट करता है। तो ये तो नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट था, मैं आपको यहाँ पे हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं बताऊँगा बिकॉज उसके लिए प्रॉपर
गाइडेंस से ही होता है, आपकी प्रॉपर ब्लड रिपोर्ट और सब चीज़ें देख के ही सर्च किया जाना चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि कुछ ही बता दूं और लोग वीडियो देख के उसको खरीद के खाना चालू करता, ऐसा नहीं करूंगा। कोई भी दिक्कत हो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मेरा आईडी डॉक्टर अपनी गुप्ता।